और खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक भी एंटरटेनमेंट बची है। Yes. अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करेंगे? वसीम भाई देखें, इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। 2019 के बाद क्या ये इंडिया ने दूसरी बारी में अच्छी पिच बनवा दी थी? एग्जैक्टली. हमारे पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच थी? और जी भारत ने देखें क्या कर दिया जी, देखें भारत ने मतलब की पिच बनवाई। हाँ, हाँ, अफगानिस्तान की। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ही ऐसे ही था ना, बिल्कुल ही। क्या हुआ दूसरी बारी में? उसी पिच पे अफगानिस्तान ने दोनों टीमें खेल रही थी ना। हाँ। उनके स्पिनर्स ने अच्छे बॉल करे, हमारे स्पिनर्स ने अच्छे बॉलिंग करे, हमारे तो फास्ट बॉलर ने भी नहीं करे, वो तो एशिया कप से नहीं कर रहे। हाँ। पहली चीज हमारा कर रहे थे उस वजह से नहीं, हमारे पिच बिल्कुल ठीक खेला आज। हाँ। जिसको हम जो रिपोर्ट्स में आ रहा था कि इतना इतना टर्न है, विकेट बिल्कुल ठीक था। जिस तरह कामी भाई ने कहा जी कि ना मुजीब ने विकेट ली ना राशिद खान ने विकेट ली, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब वो बॉलिंग कर रहे थे हर बॉल ऐसी जगह पे गिर रहा था कि यार ये कुछ होगा, यहाँ पे वो विकेट लेंगे, यहाँ पे वो प्रेशर डाल रहे हैं। जो हमारी बॉलिंग थी, एक बिल्कुल मुंह में क्रीज में बॉल गिर रहा है, एक आधी विकेट में गिर रहा है, फास्ट बॉलर तीन गेंद एक जगह पे कर रहे हैं, चौथा गेंद चौके पे खा रहे हैं। अब अफगानिस्तान को मेरे दिमाग में लफ्ज ही नहीं आ रहे, मैं क्या कहूँ। ओहो, शोएब भाई जैसे कि आपसे भी पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम पहले से ही ये बता रही थी, कह रही थी कि चेन्नई में हमारा मैच मत रखो, अफगानिस्तान है सामने, स्पिन कंसर्न्स होंगे। ये एग्जैक्टली वही हुआ है क्या? उनका डर सामने आ गया क्या? यार देखिए यार, तो वर्ल्ड कप में जो मैं कल से इंतजार कर रहा था, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच, रिजल्ट आ चुका है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र मेरे हिसाब से अब लगभग खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, अफगानिस्तान भी अगले अगर सारे मैच जीतता है तो उनके भी चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और पाकिस्तान मुझे लगता है अब इनके इंग्लैंड के साथ, अफ्रीका के साथ और न्यूजीलैंड के साथ मैच है, तो अब इनका तो बहुत मुश्किल है। मुझे सिनेरियो कठिन लग रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, बहुत कुछ बोलने को है। खतरनाक सेलिब्रेशन होने वाला है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी होने वाला है, और कर्मा बैक हुआ है पाकिस्तान के लिए कैसे, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नीचे मिडिल ऑर्डर में उनका कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर टॉप 3 प्लेयर है जो टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं, हम उनके वही तीनों स्कोर करके, तो मतलब कि आप फिर किस बड़ी टीम से हम कैसे एक्सपेक्ट करें अगले 4 मैच जीत जाएंगे, वो तो मोजा ही समझ लेना फिर। आई थिंक हम इस स्टेज पे खुद अपने आप को बचाया हमने, ये आज की बात नहीं है कि यार ये टीम में यकदम हो गई, ये तो पीछे से चलता आ रहा है। जो आप पिछले 6-8 महीने साल, बल्कि कामी भी तो 3-4 साल पे जा रहे हैं। हाँ। तो भाई ये आप जब वर्ल्ड कप आता है ना तो ये आपकी परफॉर्मेंस 4 साल की काउंट होती है। हाँ ना, इसलिए कि मुझे तो याद पड़ता है, मुझे याद पड़ता है, अभी आप देख लीजिएगा, अल्लाह करे समय ना, मुझे याद पड़ता है वर्ल्ड कप खत्म होता है, अगले दिन बयान आता है अगले वर्ल्ड कप की तैयारी आज से शुरू कर दी है। ओ भाई, तो क्या ये तैयारी है, क्या करते हैं यार वो मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, जो मैंने भी कामी भाई ने भी नोट किया होगा कि जो हम हैं, हम टप, पंजाबी का वर्ड है टप की टपाते हैं, जो टाप जो आज कल का है ना बस वो कर लो। हाँ, हाँ। कल वाली सीरीज जीत लो, कल वाले कोई लॉन्ग टर्म है ही नहीं, और हमारे में बर्दाश्त भी नहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। हाँ। लेकिन ये है कि किसी को तो स्टेप लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। हम अब ये लगे रहते हैं कि यार ये अब अगली सीरीज आ रही है, ये जीत जाए हमारी कप्तानी बच जाएगी, हमारी कोचिंग बच जाएगी, सिलेक्शन कमेटी बच जाएगी, चेयरमैन बच जाएगा। शोएब जट साहब, पर आप कल कहते भी रहे, आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह अगर पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जीत जाएगा कल का मैच। ये क्या हुआ है, ये कोलैप्स क्या हुआ, क्यों हुआ? कोलैप्स नहीं है मेरे नज़दीक, तो ये अपसेट भी नहीं आपके ख्याल? अच्छा, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल अपसेट नहीं है। जो आपकी कैपेसिटी थी वो आपने खेला, जो अगलों की स्ट्रेंथ थी उन्होंने आपको काबू किया। मसला क्या है, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, जहाँ मसाइल में आपने हॉकी से स्टार्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हॉकी ओलंपियंस हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है, मुझे फिर भुगतना पड़ेगा इस सच बोलने के की पदाश में, लेकिन मुझे सच बोलना होगा। क्रिकेट को इस नहज पे लाने वाले क्रिकेटर हैं, कोई खलाई मखलूक नहीं आई, किसी और ने फैसला नहीं किया, ये क्रिकेटर्स जो 3-3.5 साल से अपनी मनमानियाँ कर रहे थे, दोस्तियां निभा रहे थे, अनाबाजी में लगे हुए थे, उन्होंने इस क्रिकेट को यहां तक लेकर आ गए हैं। आज मुझे थोड़ा सा सच बोलने दे, आपको क्या लगता है कि मैं जब बात करता हूं कि जी फलां टीम जीतेगी पाकिस्तान हारेगा तो मुझे क्या अच्छा लगता होगा? खुशी तो नहीं होती होगी, यकीन माने दिल चीर के नहीं दिखाया जा सकता, खून के आंसू रो रहा होता है। मसला क्या है, मैं जब कोई प्रेडिक्शन करता हूं तो बाकी भी हमारे पैनल करते हैं, वो शायद दूसरे की
स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख के करती हैं। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ पाकिस्तान के मुताबिक, वो पाकिस्तान की कैपेसिटी देख के करता हूँ कि ये कितने स्किलफुल हैं, इन्होंने जो बीज बोए हैं उनमें क्या करेंगे। आप मुझे देखें ना, मैं आपको तीन साल से ये रोना रो रहा हूँ कि भाई ये ऐसा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। उसके नतीजे में मुझे क्या नहीं भुगतना पड़ा, मुझे अगवा करने की धमकियाँ आईं, मुझे मारने की धमकियां आई, गालियां तो रोज का मसला है, मेरी फैमिली को रेप करने की बातें आई, मेरे बच्चों को स्कूल से अगवा करने की बातें आई, मैं कभी FIA में धक्के खा रहा हूं, कभी मैं कहां जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार मेरे साथ ये हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मैं पाकिस्तान का दर्द रखता हूं। मैंने तो नहीं बाबर आजम की जगह कप्तानी करनी, मैंने तो नहीं हारिथ रऊफ की जगह जाके बॉलिंग करनी, मैंने तो शाहीन की जगह जो है नहीं ले लेनी, मैंने किसी बैटर की जगह नहीं खानी, मैं तो पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ये दोस्तियों के चक्कर में आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये सारा सच बोलने की पदाश में मुझे धमकियां मिलती हैं, मुझे जो है ना गद्दार साबित किया जाता है, पैसे दे के मेरे खिलाफ मुहिमें चलाई जाती हैं। ये जो पेड एजेंट्स हैं इनके, इन्होंने ये मुहिम चलाई, मेरे खिलाफ माहौल बना दिया कि शुएब जट गद्दार है, शुएब जट बाबर आजम से जलता है, शुएब जट जो है प्रोपेगेंडा करता है, शुएब जट झूठी खबरें लाता है, शुएब जट यूनिटी को बखेर रहा है। यूनिटी देख ली आपने, आपने देख लिया फिर कि मेरा प्रोपेगेंडा सही था या इनका जो झूठा प्रोपेगेंडा था वो सही था। आज पाकिस्तान टीम जो हारी है इसमें बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और आप तो ये बात कर रहे हैं ना मुश्किल है अगले का सफर, मैं आपको अभी से बताता हूँ, मैं वर्ल्ड कप से पहले से कह रहा हूँ कि ये टीम फाइनल फोर में नहीं पहुंचेगी। अब चाहे कोई आगे कहे जी मुझसे पूछ लेते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है कि ये टीम कहाँ है। आगे जो आपने मैचेस खेलने हैं उनकी स्ट्रेंथ देखें और फिर आप अपने आप को देखें कि आपने तैयारी किया है। खेलना बाकी है अभी, इंग्लैंड से खेलना बाकी है, जरूरी अफ्रीका से खेलना है, बांग्लादेश भी आपके गले आ जाएगा। मैं आपको ये बता दूं ये बांग्लादेश भी आपके लिए आसान नहीं होगा। बात ये है कि इस टीम में ये किया गया, मैं एक नाम लेता हूं सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि कामरान मेरे सामने बैठे हैं, उमर अकमल को नेशनल T20 नहीं खेलने दिया गया इसलिए कि वो परफॉर्म कर देगा तो वो कैंडिडेट बन जाएगा। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मीर हमजा नए बॉल का अच्छा बॉलर है, उसको आप जो है वो आगे नहीं लेके जाते हैं, अपने दोस्तों का साथ साथ ले लेके घूमते रहते हैं। शाहीन आफरीदी अनफिट था, आप उनको हर जगह लेकर गए, दुबई लेकर गए, हॉलैंड लेकर गए, उसको रिहैब में भेजते ना आप। बाकियों का देखें, देखें मैंने एक आपके शो में पहले भी मैंने आपके शो में एक बात की थी, लोगों को तब हजम नहीं हुई थी लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा, एहसानुल्लाह एक अच्छी प्रोडक्ट आ गई। जब बाकी सबका इलाज बाहर हो सकता है तो एहसानुल्लाह का ऑपरेशन पाकिस्तान में क्यों हुआ? ऐसी ऐसी खौफनाक चीजें होती हैं जिनको हम कह दें तो हम गद्दार के बड़ा मसाइल है। हाँ नहीं, खैर मैं और माथियों से बात करते हैं भाई, एक छोटी सी क्विक लिया फिर मैं। कप्तान की बात हुई ना पिछले 6-8 महीने पहले, सोचना भी ना ये ट्रेंड चला था भाई, चलवाया चला था ना, चलवाया था। अजहर कप्तान था, उनके साथ ही खेला, जब अजहर को हटाया तो किसी ने ट्वीट की है सोचना भी ना, किसी ने फेवर की है। ये नजर आता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग और अपने बंदों के साथ टीम बनाई है, जो रिजल्ट सामने नजर आए हैं। जब एज अ टीम, एज अ पाकिस्तानी समझ के, पाकिस्तान की टीम को समझ के नहीं आप टीम बनाएंगे, खेलेंगे नहीं तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। वसीम भाई आज पाकिस्तान की शिकस्त नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये मुर्शद की जीत है। मुर्शद ने जो काम किए हैं ना वो अभी अभी इसमें मेरे बहुत सारे लोगों ने भी कहा है कि भाई पूछे शमशेर साहब कि कौन है, कैसे करते हैं बात, शायद भाई हमारे साथ हैं जी। अच्छा, और ये मैं आज नहीं, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है कि ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई आपको शुएब साहब की, बासित भाई की, कामरान भाई की, किसी की ओपिनियन से आपको पूरा राइट है, आप डिसएग्री करें, लेकिन भाई कोई किसी प्लेयर के हवाले से कोई बात करे तो वो गद्दार नहीं हो सकता यार। ये कोई अल्लाह माफ करे, कोई उसने कोई इस्लाम पे थोड़ी कोई बात कर दी है, एक टीम पे एक बंदे पे बात की है और विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी बात की, कोई गाली नहीं दी गई। तो भाई जवाब में जो गाली दे कम से कम उसको मैं कहूंगा कि उसको शर्म करनी चाहिए, किसी को भी दे, वो बासित भाई को, कामरान भाई को, अजहर भाई को, शुएब को, या किसी को भी। आप अपनी राय का इजहार करें, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब शायद भाई आप तो थे आज के इस मैच में और मुझे आपके भी तासुरात चेहरे से नजर आ रहे हैं, जाहिर है जो हम सबके हैं कि वाकई सारा मूड ही खराब हो गया। तो शायद भाई तजिया यहाँ पर, वो आपने मैच देखा है, ये व्हाट वेंट रॉन्ग, ये बॉडी लाइन, यानी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, ये वो अफगानिस्तान नहीं है पाकिस्तान। आपने जरा आंखों देखा हाल बताया ना, वो जो सारा मंजरनामा हमने टीवी पे देखा, आपने ग्राउंड में देखा, क्राउड में देखा, टीम्स को, ये क्या हुआ? वसीम आज मैं जितना हर्ट हूं, अपने पूरे करियर में इतना हर्ट फील हुआ। अरे मुझे आज पाकिस्तान की टीम इतनी बेबस नजर आई, क्लूलेस, बगैर किसी, उनके पास कोई फाइटिंग करने का तरीका ही नहीं था, इतने क्लूलेस कप्तान, इतनी बेकार बॉलिंग, इतनी खराब फील्डिंग। आज मुझे लगा कि हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है, वो पहले से हमें पता है, लेकिन आज बहुत ही बुरी, अफगानिस्तान ने हमें बिल्कुल बेबस करके मारा है, हमें ह्यूमिलिएट किया है, हमें इतनी बुरी शिकस्त दी है 8 विकेटों की कि पता नहीं कितने दिन तक रिकवर नहीं कर पाए। मैं हमेशा किसी भी शिकस्त पे खुश होकर पॉजिटिव निकाल लेता था, मजाक करता था अपने पैनल से भी, शुएब को भी छेड़छाड़ करता था, लेकिन आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
हमने अपनी बहुत सी चीजें बना बनाकर दूसरों को दे दी। हमने अपनी एयरलाइन, हमने अमारात की एयरलाइन बनाई, आज हमारी एयरलाइन का क्या हाल है। हमने दूसरे मुल्कों को मईशत के सबक सिखाए, हमारी मईशत का क्या हाल है। हमने अपनी हॉकी दूसरे मुल्कों को सिखाई, आज हमारी हॉकी का क्या हाल है। हमने क्रिकेट अफगानियों को सिखाई, हमने क्रिकेट श्रीलंकन्स को सिखाई, हमने क्रिकेट बांग्लादेश को सिखाई, आज हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया कि हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी चांस पाकिस्तान का बाकी, लेकिन आज की शिकस्त के बाद मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम मुस्तहिक नहीं है। किसी और की पोस्ट पर अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाती है तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमें शिकस्त से पता नहीं हम सबक ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हम फिर कहना शुरू कर देंगे अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में अच्छा कर लें, लेकिन हम हमेशा चादर डाल देते हैं वो पर, हम छुपा लेते हैं। अरे ये हकीकत है वसीम भाई, ये हर पाकिस्तानी का दर्द है। जो पाकिस्तानी है ना उसकी ये हालत है। और मैं हारने पे नहीं, हार से ठीक है, आप अपना वो तो करो जो काम है। यस, अभी तो सोशल मीडिया माशाल्लाह मैं सुबह 4 बजे ट्वीट करता हूँ, इस्लामी ट्वीट होती है रोजाना, उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैं वाह जी वाह क्या बात है, क्या कहूँ मैं कि रिजवान के तासुब में आप सरफराज को अपग्रेड कर रहे हैं। छोटी बात, मैं ऐसी सोचता भी नहीं हूँ, आई एम श्योर, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है। हम देखिए हमारे हमारी भी गलत सोच है, हम हर चीज डाल देते हैं इंडिया पे कि इंडिया अच्छी बनाएगा। अबे लड़ो ना यार, हमारे हाथ में भी तो बैठ है। आप कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो दुश्मन मुल्क है, चेयरमैन ने कहा था, तो भाई दुश्मन फिर क्या करेगा, प्लेट पे रख के देगा क्या? नहीं तो दावत के, दावत के खाने तो वही गए वो, उसे ऑर्डर करो ना। हाँ, दुश्मन मुल्क बोल के दावत है वहाँ खा रहे थे बॉस। हाँ एग्जैक्टली सही बात, ये दोस्ती यारियां हैं, सच्ची हकीकत ये है। 4-4 ओवर के बॉलर मिकी आर्थर साहब पसंद पे ले आए, पर ये ना शाहिद आजमी साहब ने भी पोस्टमार्टम करके रख दिया ना 60 सेकंड में, यार आप अपनी एयरलाइन से शुरू करें, यानी वही वाली बात है जो बासित भाई ने की, सारे इदारों का बेड़ा, यानी ये एक आज के दिन का खाली स्कोर कार्ड सही अक्कासी नहीं करता ना कि एक मैच हुआ, एक टीम अच्छा खेली, एक बुरा खेली और बुरा खेली और नहीं हार गई, नहीं ये तो ये देखें ईस्ट इंडिया कंपनी, ये शायद आशमी साहब ये है गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। ओ भाईजान, ये मतलब गुस्सा भी उनको आ रहा है, पता नहीं जरा इस पे तो कहें शायद आशमी साहब, ये एक ट्वीट में पढ़ रहा हूँ, मिकी आर्थर गोज इनसाइड द ड्रेसिंग रूम नाउ आफ्टर रियलाइजिंग डीजे डिडंट प्ले इन पाकिस्तान। जी शायद भाई क्या कहेगा, बहुत गुस्सा आ रहा है मिकी आर्थर। हमें अपने क्रिकेटर्स को तैयार करना पड़ेगा, कोचेस के लिए, एकेडमी के लिए, इसलिए कि ये गोरे आते हैं, इनके अपने मकासद होते हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कहते हैं वी आर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, वी नीड टाइम, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स भी चाहिए। हमारा सर पे खड़ा है T20 वर्ल्ड कप, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं T20 के, हमें अब T20 की तैयारी करनी पड़ेगी, हमें इन कोचेस को हटाकर हमें अपने कोचेस पे भरोसा करना पड़ेगा, जो टैलेंटेड भी हैं, जो सिंसियर भी हैं, जो पैसे लेंगे तो उसकी मेहनत करके दिखाएंगे, वो जूम पे कोचिंग नहीं करेंगे, वो दूसरी जॉब हाथ में रख के एक काम नहीं करेंगे। तो हमें अपने कोचेस चाहिए, अपने लोग चाहिए, और खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर्स से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक ही इंटरटेनमेंट बची है। यस, अगर ये भी खो गई तो हम फिर क्या करें। वसीम भाई देखें, इसमें मैं थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, 2019 के बाद आपके पास वकार यूनुस रहे, पाकिस्तान के ही थे, आपके पास मिसबाउल हक रहे, पाकिस्तान के ही रहे थे, हम सारी चीजें कोचिज में क्यों डाल रहे हैं? असल जो दादागिरी, असल जो कब्जा माफिया, असल जो दोस्तियां निभाई जा रही है वो तो टीम प्लेयर निभा रहे हैं ना। इसमें इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूं, इसमें प्लेयर है वो उस टाइम पे नहीं थी, ये पावर प्लेयर, चेयरमैन तो नहीं आगे कह रहा ना, उस टाइम पे पावर प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर जो है इन्होंने मनमानियां की है होते हुए, ना सरफराज की पावर प्लेयर पावर नहीं था, नहीं थी सर, लेकिन सरफराज कप्तान था, नहीं थी, सरफराज की पावर को मुसलसल फ्लॉप होने के बावजूद कौन सा चेयरमैन खिलाने की करके बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप कह रहे हैं प्लेयर्स पावर, तो अभी क्या है, चलें इनकी बात सुन ले फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जब मिसबा कप्तान बना है, वकार कोच था, सरफराज कप्तान था, कोई उसमें ऐसी ग्रुपिंग नहीं थी। अच्छा सही है, बाबर तक जब थे ना, जब तक ग्रुपिंग नहीं थी, जब ये गोरे आए ना, जब एहसान मानी साहब आए, जब ये ग्रुपिंग हुई है, जब तक सरफराज मैं सरफराज का फेवर नहीं कर रहा, हाँ नहीं ठीक है आप सर, कोई मुझे बोल देगा जब सरफराज कप्तान था अच्छा काम किया तो अगर सरफराज क्या मसला है, सरफराज के पास इतनी पावर थी ना तो ताबिश खान खेलता हुआ नजर आता टेस्ट मैच, परफॉर्मेंस पे नहीं खेला सर। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ प्लेयर्स मैनेजमेंट लेके आती है, उनके डिसीजन से आती है, ये सारा
बिल्कुल, मैं भी इस टीम के साथ 14-15 साल रहा हूँ। हाँ। ये मैनेजमेंट बड़ी आसानी के साथ निकल जाती है। हमारे कोचेज आए लेकिन वो अपना दिमाग साफ करके आए, ऑनेस्ट बन के आए, जॉब करें, ना के किसी हाँ। प्लेयर्स को डैमेज करने आए, उसकी रेपुटेशन खराब करने आए, उसकी रिपोर्ट गलत देने आए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम काम हर दूसरा नहीं, प्लेयर वगैरह नहीं काम हुआ। और जो शायद मैं चाहूँ एक बात करें, फिर मैं चाहूँ क्योंकि हम यानी जो बड़े मसाइले से बात करेंगे, लेकिन जरा आज के मैच और अभी के वर्ल्ड कप नहीं चले, अभी मैं इसको आज के प्लेयर्स पे बात कर रहा हूँ कि आप ये माने कि इस नहज से दो चार करने वाला वो ट्राइका है जिसके आगे आपने हथियार डाल दिए, आपने उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहते हो करो, जिसको चाहते हो खिलाओ, घर से बुला के खिला लो, बगैर जो है ना फिटनेस टेस्ट लिए हुए खिला लो, उसको ले लेके घूमो, जब तक तुम्हारा दिल चाहता है तुम लेके घूमो, तुम्हारी अपनी टीम है, रिजल्ट कुछ भी आ जाए। ये सारी चीजें हम मैनेजमेंट पे डाल के नहीं बच सकते, ये प्लेयरों की दादागिरी है, प्लेयरों की कब्जा नोटेड ठीक है वो है। अभी इस पे हम आगे वाले प्रोग्राम में करेंगे तफसील से बात भी, अगेन कमिंग बैक आज के मैच पे। आज का प्रोग्राम का टाइम बढ़ा दे, अभी बढ़ गया है वैसे नहीं, अभी दो तीन आवाज तो आपने सुनी नहीं है जो यहां बैठे हैं, दो घंटे करते हैं भाई। उसामा मीर को खिलाओ, फखर जमान को हटाओ, ओजी उसको हटा दिया, इसको खिला भी लिया। अब देखिए क्या देखिए, हमने सबने कहा था उसामा मीर को, हाँ, सही, exactly. तो इसलिए कहा था कि शदाब नहीं परफॉर्म कर रहे, हाँ ऑप्शन क्या है सही? जो शदाब परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपने दूसरा जो बेंच पे आपने जाना है। अब आपने क्या नहीं जो नहीं किया वो मिसिंग है कि आपने पिछले 4-5 महीने में आपको खिलाने चाहिए थे प्लेयर और भी, यू नो आप लेके गए तो पास से मैंने तल से बहन के हर मैच खिलाना है क्योंकि मैच फीस बन रही है। नहीं नहीं वो अपना बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं कर रहा को आपने टेस्ट ही नहीं किया। हाँ। अगर एशिया कप या उससे पहले उसको खिला लिया होता, अफगानिस्तान के गेंस खिला लिया होता तो एटलीस्ट आपको पता होता, ताकि आप 15 में उसको डालते ना डालते। अभी आप अबरार को भी डाल लेते फिर आप कहते यार अबरार को भी डाल लिया। मसला ये है कि हमने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग का फुकदान रहा और उसका नतीजा नजर आ रहा है। नतीजा मैं ब्रेक आखिरी बात करने ब्रेक पे आना है। अगर हम जो हमारी सीरीज थी अफगानिस्तान से, अगर हम उसमें वो सीरीज हार जाते हाँ। इतना दुख नहीं होता जितना वर्ल्ड कप हारने का हुआ है। वहाँ पे नए बच्चे खिलाते ना, हिम्मत तो करते टेस्ट करते ना भाई, वहाँ पे यार दम ही नहीं है ना, कमजोर लोग हैं। अभी क्या कहे तो भाई, ये बहुत लेट हो गए थे अफगानिस्तान सीरीज में, तब भी देर हो चुकी थी। तो ये शुएब जट का गुस्सा, शाहिद हाशमी के आंसू, बासित अली का तल्ख रेजा, कामरान मेरा तल्ख रेजा नहीं है, ये दिल की आवाज है ना, या अजहर भाई का, ये अजहर है कामिया, हमने थोड़ा बहुत खेला है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब मैं देख रहा हूँ ये लम्हे, ये बहुत ही बुरे लम्हे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, और पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने आज बहुत स्लो खेला। ये बैटिंग ट्रैक विकेट था, स्पिन ट्रैक समझ के इन्होंने बहुत नॉर्मली खेला, इनको समझ जाना चाहिए था। इन्होंने स्कोर, अफगानिस्तान ने कितना अच्छा खेला, इन्होंने पाकिस्तान के स्पिनरों को एक विकेट नहीं लेने दिया यार, ऐसा धोया और मतलब सेंसिबल तरीके से, कोई अपरा दपरी नहीं, बिल्कुल आराम से रन बनाते गए। बिल्कुल मुझे बीच में गुस्सा आ रहा था कि ये थोड़ा तेज क्यों नहीं खेल रहे, बट इन्होंने जिस तरीके से खेला है, मौलाना रिजवान के लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। अफगानिस्तान के लोग देख रहे हो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो नए नए मुल्ले बनते हैं ना, एक कहावत है नया नया मुसलमान बना हुआ ज़्यादा दिखाता है, अफगानियों नहीं पाकिस्तान वालों को मुसलमान बनाया, आपको पता होगा अफगान भाईजान बोलते थे जो इस दुनिया में नहीं है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, और क्या मतलब यार, एक तो अफगानिस्तान के फैंस नहीं है और पाकिस्तान के फैंस भी नहीं है, नहीं तो आज मज़ा आता। इनके मैच आपको याद होंगे काफ़ी दर्शकों में लड़ाई होती है, दर्शक काफ़ी पीटते हैं एक दूसरे को, तो आज का जो मैच है बहुत बड़ी बात है। और अजय जडेजा को मैं देख रहा हूँ, अजय जडेजा भी बैटिंग या मेंटोर हैं या क्या हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। और अफगानिस्तान यार ये उलटफेर नहीं है, ये उलटफेर नहीं है, आप इसे उलटफेर ना समझें। अफगानिस्तान ने इससे पहले इंग्लैंड को हराया है, तो डेफिनेटली एक बड़ा मैच है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कर्मा बैक क्यों हुआ, आपने देखा होगा भारत के जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया हैं वहाँ पे पाकिस्तान की जीत किसी भी टीम के खिलाफ हो, बड़े मैचों में वर्ल्ड कप में या इंडिया के खिलाफ हो, बम फटा के फूटते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आज से 20 साल पहले 10 साल पहले ये बात होती, मोबाइल का ज़माना नहीं था, CCTV नहीं था, तो ये सब चीज़ें नहीं पता चलती थी, बट आजकल सोशल मीडिया में ज़माने भर की चीज़ों में पता चल जाता है। तो ये पाकिस्तानी काफ़ी खुश होते थे, देखो हमारे मुस्लिम भाई इंडिया में हमारी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, वो ये सेलिब्रेट करेंगे। आपको कल वीडियो मिलेंगे, सोशल मीडिया में मिलेंगे, ट्विटर पर मिलेंगे, अभी से वीडियो मिलेंगे, तो आप देखना उनकी कैसी चलेगी। तो मतलब ये कर्मा बैक हुआ है, कर्मा बैक हुआ है। हालांकि ठीक है, अब क्या बोलूं, आज आप देख सकते हो भारत के कई मुस्लिम चेन्नई के पाकिस्तान की जर्सी पहन के सपोर्ट करने आए थे, उनको भी अच्छा बाबा जी का ठुल्लू मिला है। अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको पता है यहाँ पे हम, जैसा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान को दिल से चाहते हैं, कोई मतलब इनको कोई रोक टोक भी नहीं है। पाकिस्तान के कितने सारे आज जर्सी लोग पहन के
पहन, मतलब कितने सारे लोग थे दर्शक में जर्सी पहन के, तो पाकिस्तान के 140 लोगों को केवल वीज़ा मिला है और टोटल टीम मेंबर्स हैं, तो ये कहाँ से आ गए? शकल से ही दिख रहे थे वो इंडियन है, पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए हैं, तो समझो आप, आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मैं मिलता हूँ।